थैंक्स टू 108। नमस्कार, मैं आशुतोष शर्मा स्वागत करता हूं आपके इस खास प्रोग्राम में। और आज के इस खास प्रोग्राम में ऐसी खास जगह हम आ गए हैं जहां कहते हैं कि लोगों की जिंदगियां बचाई जाती हैं। जी हां, संजीवनी का कार्य किया जाता है। यकीन नहीं होता तो हम आ चले हैं वहां पर जहां 108 एम्बुलेंस का दफ्तर है। लोग जब ज़्यादा परेशान होते हैं, उन्हें ज़रूरत होती है स्वास्थ्य सुविधाओं की, तो एक ही तो वाहन है जिस पर पूरा मध्य प्रदेश भरोसा करता है। तो आइए आज जानते हैं यहाँ कैसे कर रहे हैं वह लोग काम, और कोरोना काल में क्या उन्हें और ज़्यादा मिल रहे हैं चैलेंज। आज हमारे साथ इस विषय पर बात करने के लिए हैं जितेंद्र शर्मा जी, जो पूरे एमपी को लीड कर रहे हैं फिलहाल। शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस द अपॉर्चुनिटी। सबसे पहला ही प्रश्न ये बनता है कि किस तरीके से कवायद होती है, ये महत्वपूर्ण है, और उससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि कोरोना काल के दौरान और भी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, तो कैसे मैनेज होता है ये सब कुछ? देखिए, इंटीग्रेटेड रेफरल ट्रांसपोर्ट सिस्टम अपने आप में एक नया एक एक्सपेरिमेंट है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। 2016 से हम लोगों ने ये सर्विसेज शुरू करी है जिगेसा हेल्थ केयर लिमिटेड के साथ में और NHM के पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोग्राम के तहत। इसमें हम लोगों ने जो चार तरीके की जो इमरजेंसी सर्विसेज है, जैसे एक 108 एम्बुलेंस सर्विस है, एक जननी एक्सप्रेस है, एक मोबाइल मेडिकल यूनिट है, चलित अस्पताल जिसे अपन आम बोलचाल की भाषा बोलते हैं, इसके अलावा एक 104 मेडिकल हेल्पलाइन है। ये चारों सर्विसेज हमारे यहाँ पे एक इंटीग्रेटेड रेफरल ट्रांसपोर्ट सिस्टम के तहत मध्य प्रदेश भोपाल से संचालित की जाती है। कोरोना काल से पहले जो हमारा नॉर्मल रूटीन होता था कि कहीं से पूरे मध्य प्रदेश से 108 की कॉल आती है और वो यहाँ आकर के लैंड होती है, हम कॉलर का पूरा जानकारी ले करके और उसके पास में जो भी नियरेस्ट एम्बुलेंस होती है वो हम आइडेंटिफाई करके और वो गाड़ी डिस्पैच करते हैं। हमारा जो रिस्पॉन्स टाइम है रूरल के अंदर 30 मिनट्स का है और अर्बन के अंदर एवरेज 20 मिनट्स का है। तो उसको फिर अस्पताल के अंदर और जो भी सरकारी अस्पताल है नियरेस्ट वहाँ जा करके हम उसको ड्रॉप करते हैं। यानी एक बहुत ही साधारण तरीके से हम आपसे समझने की कोशिश करें कि एक इंसान मौका स्थल पर है, उसने फ़ोन किया तो वो फ़ोन कॉल्स आपके सेंटर में आते हैं जी। सबसे पहले जी। फिर उसका पूरा बायोडाटा लिया जाता है, कहाँ से हैं, किस जगह से, और ये सब कुछ जानकारी हासिल करने के बाद में फिर उसके बाद प्रोसेस क्या होती है? उसके बाद में जैसे मैंने आपको बताया, जैसे ही कॉलर का या विक्टिम का लोकेशन आइडेंटिफाई हो गया, जगह आइडेंटिफाई हो गई, तो हम लोग उसकी जो नियरेस्ट हमारी जो एम्बुलेंस है इसका लोकेशन है वो तालुका लेवल के ऊपर पूरे मध्य प्रदेश में 606 108 एम्बुलेंस सर्विस है, और इसके अलावा हमारी 791 हमारी जननी एक्सप्रेस एम्बुलेंस सर्विस है, यानी कि लगभग 1300-1400 गाड़ियाँ हमारी पूरे मध्य प्रदेश में सब जगह लगी हुई है। तो ऑलमोस्ट मध्य प्रदेश का हर एक कोना हमारा कवर किया हुआ है। जैसे ही कोई कॉल आती है, कॉलर की लोकेशन आइडेंटिफाई होती है, उसके नियरेस्ट जो भी एम्बुलेंस होती है, नियरेस्ट 1, नियरेस्ट 2 या नियरेस्ट 3 जो भी होगी, सबसे पहले जितना जल्दी वो पहुंच जाए वो तुरंत उसके पास एम्बुलेंस सर्विस पहुंचेगी, एम्बुलेंस उसको ऑनबोर्ड करेगी पेशेंट को, और उसके बाद में उसको जो भी सरकारी अस्पताल है नियरेस्ट वहाँ उसको पेशेंट को ड्रॉप करके वापस अपनी बेस लोकेशन पे वापस आ जाती है। ये भी बड़ी लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात होती है, एक गंभीर जैसे कोई पेशेंट है और उसको उस मुकाम तक पहुंचाना जहां से उसको स्वास्थ्य लाभ मिल सके। और मैं यह भी मैंने सुना है कि आपकी 108 जो एम्बुलेंस होती हैं या अन्य जो सुविधाएं होती हैं उसमें भी डॉक्टर्स का कहीं ना कहीं सपोर्ट रहता है अगर कुछ इमरजेंसी हो जाए तो। हमारे प्रत्येक एम्बुलेंस के अंदर अगर आप देखेंगे तो एक ड्राइवर होता है और एक इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन होता है जो कि नर्सिंग कर्मचारी होता है एक तरीके से। वो जो पेशेंट है उसकी जो कंडीशन है, जैसे रोड एक्सीडेंट का केस है या प्रेगनेंसी का केस है, तो उसकी जो भी कंडीशन है उसको स्टेबलाइज करने के लिए सक्षम होता है, उसको बाकायदा उस चीज़ की ट्रेनिंग दी जाती है। 40 दिन का उसका ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है। ये बी फार्मा डी फार्मा नर्सिंग स्टाफ होता है जो इनका पूरा बैकग्राउंड भी यही होता है। साथ ही इनको ऑनलाइन असिस्टेंस देने के लिए हमारे यहाँ पे ऑनलाइन डॉक्टर्स अवेलेबल होते हैं मध्य प्रदेश भोपाल के अंदर,
जहाँ पर कि वो कभी भी कहीं उनको कोई कंफ्यूजन हो या उनको कोई मदद चाहिए, कोई और टेक्निकल एडवाइस चाहिए, तो वो तुरंत 108 पे कॉल करके यहाँ पे जो ऑनलाइन डॉक्टर्स हैं उनको वाइटल्स पेशेंट्स की बता करके और उसकी भी मदद वो ले सकते हैं। यानी आप उस मुकाम तक पहुंचाते हैं जहां से स्वास्थ्य लाभ मिलता है और बीच में आप संजीवनी का भी काम करते हैं अगर जरूरत है तो। बिल्कुल। और एक और बात है, अब ये महत्वपूर्ण प्रश्न इसलिए बन जाता है क्योंकि कोरोना काल चल रहा है, ये कहते हैं जब जिम्मेदारियां कुछ ज्यादा मिले तो और जिम्मेदारियां डाल दी जाती हैं, तो अब आपकी किस तरीके से भूमिका है? देखिए, कोरोना का जो अनुभव है सभी क्षेत्रों के लिए अपने आप में एक बहुत नया और नवीन अनुभव था, लेकिन इमरजेंसी के होने के कारण इमरजेंसी सर्विसेज हम लोग कभी भी बाधित नहीं कर सकते, तो इसके कारण हमारी जो जिम्मेदारी है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। और अब मार्च से जब से एक लॉकडाउन की सिचुएशन हुई तो कुछ चैलेंजेस हमने भी फेस किए जो अपने आप में एक बहुत यूनिक थे, बट समहाउ सरकार की मदद से, NHM की मदद से और हमारी कंपनी के दिशा निर्देशों के अनुसार हम लोगों ने उसको पार किया। वो कैसे जी, ये कैसे सब कुछ हो पाया संभव? सबसे पहले तो हमारे सामने चैलेंज ये था कि कोरोना के जो पेशेंट हैं इनको हमको सर्व करना है, साथ के अंदर हमारे जो कार्यकर्ता, हमारे जो अधिकारी हैं या हमारे जो एम्बुलेंस क्रू है ये भी संक्रमित ना हो, तो उसके लिए हम लोगों ने सबसे पहले तो एम्बुलेंसेस आइडेंटिफाई करी। हमारी टोटल 606 एम्बुलेंस में से लगभग 106 एम्बुलेंस हमने हर डिस्ट्रिक्ट वाइज उन एम्बुलेंसेज को हमने एलोकेट किया जो केवल और केवल कोरोना के पेशेंट को ही सर्व करेंगे ताकि अन्य मरीजों के ऊपर उसके संक्रमण का खतरा ना रहे। वो जो 106 एम्बुलेंसेज है पूरे मध्य प्रदेश के अदर, कहीं पे 4 है, कहीं पे 5 है, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ केसेस, तो उनको हम लोगों ने स्पेशल ट्रेनिंग दी है। CMHO ऑफिस में उनकी ट्रेनिंग हुई है, उनको पब्लिक, उनको पर्सनल प्रोटेक्शन किट दी गई है, उनको ग्लव्स, सैनिटाइजर्स वगैरह सब दिए गए हैं। जब भी वो किसी पेशेंट को ड्रॉप करके आते हैं या लेने जाते हैं तो पहले खुद को अपने आप को पूरे तरीके से कवर करते हैं, PPE किट दी जाती है उनको ताकि वो पूरा ऊपर से नीचे तक अपने आप को कवर करके ये इंश्योर कर सकें कि वो संक्रमित ना हो, खुद संक्रमित ना हो। साथ ही हर केस के बाद में उनकी गाड़ी को सैनिटाइज करने की व्यवस्था हमने CMHO बिल्कुल, जैसे ही कोरोना के जो पेशेंट्स को हम सर्व करके आएंगे उसके बाद में उस गाड़ी को सैनिटाइज किया जाता है ताकि अन्य लोगों में उसका इन्फेक्शन ना हो, तो ये प्रिवेंटिव केयर हमने फील्ड लेवल पे लिया। इसी तरीके से जो कॉल सेंटर है, ये हमारा भोपाल के अंदर एक सेंट्रलाइज कॉल सेंटर था जहाँ पर कि पहले 100 सीट्स के साथ में 3 शिफ्ट्स के अंदर हम लोग सर्विसेज दे रहे थे, लेकिन जब कोरोना का संक्रमण हुआ तो कुछ हमारे भी कर्मचारी इसके संक्रमित हो गए, तो इसको देखते हुए हम लोगों ने पहले उनको आइसोलेटेड किया, साथ ही हमारा जो कॉल सेंटर है इस कॉल सेंटर को हमने 5-6 अलग अलग जगह पर डिवाइड कर दिया। यहाँ पर इससे फायदा हमारे को ये हुआ कि 40-40 के बैच के अंदर हम लोगों ने 30-30 के बैच के अंदर हमने 24 आवर सर्विस शुरू करी। आपने एक ऑफिस को जी अन्य शिफ्टों में बांटने के अलावा जी अन्य लोकेशन पे भी बांटने की व्यवस्था कर दी। हाँ जी, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हमारा जो पहले एक जगह सेंट्रलाइज कॉल सेंटर चलता था, सेंट्रलाइज 8-8 आवर्स की 3 शिफ्टें चलती थी, उसको हमने डिवाइड करके अभी 5 उन कॉल सेंटर्स को हम लोगों ने 24/7 5 या 6 जगह से हम लोगों ने ऑपरेट करना शुरू किया ताकि संक्रमण का खतरा टाला जा सके। साथ ही मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि संक्रमण काल के दौरान और ये लॉकडाउन के दौरान जब पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन बंद था और संक्रमण के कारण बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन सरकार द्वारा लगा दिए गए, तब हमारे जो कॉल सेंटर के एग्जीक्यूटिव्स हैं वो आने में भी डर रहे थे और साथ ही उनको बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, तो उसके निराकरण के लिए NHM की मदद से हम लोगों ने एक सेंटर है नंदन पैलेस, वहाँ पर हम लोगों ने उनको मैरिज गार्डन है बेसिकली, है वहाँ पर हम लोगों ने जो ऑफिस बनाया है खुद का, साथ ही साथ यहाँ पे इनके बच्चों के रहने की भी व्यवस्था हम लोगों ने कर दी है, तो लगभग 50 फीमेल एग्जीक्यूटिव्स वहाँ पर स्टे भी करती है, वहाँ पे वो काम करने के लिए भी आते हैं और फिर वहीं पे उनका आना, बाहर से उनका कोई लिंक नहीं रहता ताकि यानी असल कोरोना योद्धा यहाँ तैयार होने लगे थे कि वो अब घर भी नहीं जाते हैं, बिल्कुल एक प्रकार से सेवा ही करते हैं और उसके बाद में उन्होंने सब कुछ भूल गए। तो ये कैसे आइडिया आया कि ये होना चाहिए और कैसे उन लोगों को एग्री किया कि आप लोग अपने घर नहीं जाएंगे, अब यहाँ रहेंगे, तो क्या उसके लिए हम लोगों को उनको थोड़ा सा समझाना पड़ा, कन्विंस करना पड़ा कि अगर वो आएंगे और जाएंगे बाहर तो निश्चित रूप से वो खुद भी संक्रमित हो सकते हैं आने जाने में और वो दूसरों में, हमारे कॉल सेंटर में भी संक्रमण ला सकते हैं।
तो इमरजेंसी सर्विसेज की उपयोगिता और अनिवार्यता को समझते हुए उन बच्चों ने हमारे को सहयोग किया और वो इस चीज़ के लिए राजी हुए कि हम लोग पिछले तीन महीने से चार महीने से वो हमारे साथ ही हमारे पास होटल में महीने से वो घर नहीं गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल तीन महीने से भी ज़्यादा हो गया, बल्कि तीन महीने से भी अधिक समय हो गया है। वो लोग अपने घर नहीं गए हैं, वो लोग यहीं पर रुके हुए हैं, यहीं पर उनके खाने पीने की व्यवस्था हम लोगों ने की हुई है। और साथ ही साथ जो लोग आसपास के एरिया में रहते हैं लेकिन ट्रांसपोर्टेशन की वजह से नहीं आ सकते, उनके लिए हम लोगों ने बस सर्विस खुद की लगा रखी है ताकि हम उनको उनके घर से पिक करके और उनको यहाँ पर सेंटर पे लेकर के आ सके, ताकि किसी भी प्रकार से हमारी जो इमरजेंसी सर्विस कॉल सेंटर है ये बाधित ना हो। और हम स्वास्थ्य जो जुड़ा होता है मुद्दा, ये इमरजेंसी के साथ ही जुड़ा होता है, और अगर इसी इमरजेंसी में अगर ब्रेक लग जाए तो फिर एक बड़ा प्रश्न भी बन जाता है, चिंता का विषय भी हो जाता है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, ये अपने आप में एक बहुत चैलेंजिंग था कि हमको अपना भी ध्यान रखना है और साथ में सर्विसेज भी निर्बाध रूप से चलानी है। तो उसके लिए हम लोग हमारे जितने भी हमारे टीम मेंबर्स हैं, हमारे कोरोना योद्धा हैं, उनका शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने कंपनी में और एनएचएम में और सर्विसेज में अपना विश्वास बनाए रखा और उन्होंने हमारे को मदद करी कि किसी प्रकार से हमारी सर्विसेज बाधित ना हो। अब मैं बहुत कॉन्फिडेंस के साथ मैं कह पा रहा हूँ कि हमारा कॉल सेंटर एक भी घंटे के लिए बाधित नहीं हुआ। दिन तो बहुत बड़ी बात है, पूरे कोरोना काल के अंदर हम लोगों ने बिल्कुल नॉन स्टॉप निरंतर सेवाएं हमने दी है। ये क्या चीज़ है, किस तरीके से काम करते हैं? ये ऑटोमेटेड मशीन है जिससे कि हम लोग जो भी विजिटर या जो भी हमारा स्टाफ आता है उसकी इसके अंदर टेम्परेचर को हम नोट करते हैं, थर्मल स्क्रीनिंग टाइप का एक तरीके से। साथ ही अगर मान लीजिए हमारा स्टाफ है तो उसकी बायोमेट्रिक अटेंडेंस भी इसी के द्वारा हो जाती है, फेस रिकग्निशन होती है एक तरीके से। देखिए 108 इमरजेंसी का कॉल सेंटर है जिसके अंदर जब भी कोई कॉल आएगी वो किसी न किसी बीमारी या किसी न किसी इमरजेंसी किसी रिलेटेड होगी, तो उसको ये उम्मीद होगी कि मुझे यहाँ पे कोई मदद मिलेगी। तो यहाँ पे आने वाले हर एक जो वॉइस है उसको हम ये बोलते हैं कि वो वॉइस ऑफ होप है जिसकी हमें मदद करनी है। जब हमने गेट खोला था तो एक मैसेज था, एक संदेश था, जब हम वापस लौटते हैं फिर एक संदेश मिलता है, क्या है ये? देखिए जो एक हम जब एंट्री करते हैं, हमारे एग्जीक्यूटिव जब हमारे एम्प्लॉय अंदर आते हैं तो वे इस उम्मीद के साथ आते हैं कि हम कोई ना कोई लाइफ को बचाएंगे और उनके लिए हर एक कॉल जो है वो एक इम्पॉर्टेंट इमरजेंसी कॉल है और वो उनको उसके लिए यहाँ पर आए हैं। जब वो अपनी ड्यूटी फिनिश करके जाते हैं तो उनके मन में एक मैसेज होना चाहिए कि आज 8 घंटे की अपनी ड्यूटी के अंदर मैंने कितने लोगों की मदद करी और मैंने कितने लोगों की लाइफ बचाई। ये एक मोटिवेशन है हमारी टीम का कि हम लोग डिसाइड करके आते हैं कि वी आर नॉट हियर एज ए एम्प्लॉय, हम यहाँ पे कोई काम करने के लिए नहीं आए, हम यहाँ पे जिंदगी बचाने के लिए आए। बिल्कुल, और ये सबसे महत्वपूर्ण काम हो सकता है मेरे ख्याल से, किसी की जिंदगी में काम आ जाए, ये दुनिया का सबसे बड़ा काम है। देखिए महात्मा गांधी का जो आप स्लोगन देखेंगे तो उन्होंने भी यही कहा है कि सेविंग ए लाइफ इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन द लाइफ। किसी का जीवन अगर आपने बचा लिया, किसी का जीवन आपने बचा लिया तो उससे ज्यादा महत्वपूर्ण बात आपके लाइफ में कुछ भी नहीं हो सकती है। तो वही हमारी लक्ष्य है कि हमें कितनी ज्यादा जिंदगी हम बचा पाए। तो ये था हमारा खास प्रोग्राम जिसमें हमने आपको समझाने की कोशिश की कि लोगों की जिंदगियां बचाने वाले किस तरीके से कार्य कर रहे हैं, असल कोरोना योद्धा सच में आज देखने को मिले हैं। अगली बार फिर आएंगे कोई नया प्रोग्राम लेकर, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार। हेलो मंजुरेश, थैंक्स टू 108।